अब रुख करते हैं गोंदिया जिले की ओर। विधायक विनोद अग्रवाल ने गोंदिया तहसील क्रीड़ा संकुल का निरीक्षण कर संकुल में अव्यवस्था को दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। गोंदिया तालुका क्रीड़ा संकुल कामटा में है, जिसकी हालत अत्यंत दयनीय है और जिसके कारण क्रीड़ा संकुल के अंदर की जिम और बैडमिंटन का ट्रैक काफी खराब हो चुका है और इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी शिकायत विधायक विनोद अग्रवाल से की। विधायक विनोद अग्रवाल ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए क्रीड़ा संकुल कामठा का दौरा किया और तालुका क्रीड़ा अधिकारी तथा तालुका क्रीड़ा समिति का गठन कर निधि मंजूर किया और सरपंच क्रीड़ा संकुल की समिति और कर्मचारियों को तत्काल उपाय करने का उपयुक्त निर्देश भी किया। वहीं इस संबंध में सिटी न्यूज के प्रतिनिधि मुक्ते सरकार ने क्रीड़ा अधिकारी से बातचीत की तो सुनिए उन्होंने इस संदर्भ में क्या कहा। मैं 2 साल के पहले तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पिछले मीटिंग में जो 23/12/2019 में जो मीटिंग लिया था उसमें डिसीजन लिया था कि जितनी भी कुछ कमतरता रही है तो उसको यानी वो काम करने के लिए PWD के माध्यम से PWD को एस्टीमेट और प्लान बनाने के लिए दिया था। उन्होंने उसको सबमिट करने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने अभी सबमिट करने के लिए थोड़ा टाइम लगाया। अगर वो पहले आ जाते तो अभी तक तो इस काम को अपन ने उसको शुरू किया रहते। अभी ये कब तक, आज जो मीटिंग ली है आमदार साहब ने, तो कब तक ये ठीक हो जाएगा? PWD के माध्यम से अगर जल्दी से जल्द अगर एस्टीमेट और प्लान आ जाते हैं और उसको जल्द से जल्द हम समिति की मान्यता देके उसको वर्क ऑर्डर देके तुरंत वो काम हम उसको आगे लगाएंगे। साथ ही विधायक विनोद अग्रवाल ने CTV के साथ बातचीत करते हुए कहा कि निधि की कमी होने नहीं दी जाएगी। बहुत बुरे हालत में है ऐसा नहीं बोल सकते अपन, लेकिन कुछ छोटी मोटी खामियां थी ध्यान नहीं रहने के कारण। लेकिन अभी अपनी जो आज बैठक हुई, ये बैठक में हमने सर्वानुमति निर्णय लिया कि सभी जितनी भी खामियां हैं, कमतरताएं हैं, ये कमतरताएं दूर करके स्थानीय लोगों का भी सहभाग आपने देखा, हमने यहाँ पर भी बढ़ाया है और बाकी जो सभी स्टाफ है उनकी भी भर्ती की है। और एक यहाँ पर आने वाले समय में खेल का अच्छा वातावरण निर्माण हो, अनेक बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिले, खेल की सुविधाएं मिले, जिम में जितनी एक्टिविटी होती है वो जिम की सुविधाएं मिले, और क्या बोलते हैं भाई अपना जिस प्रकार से व्यायामशाला में अनेक प्रकार की अपने को सुविधाएं मिलती है वो सभी एक्टिविटीज यहाँ पर हो और उसके माध्यम से यहाँ के बच्चों को इस खेल के वातावरण के माध्यम से, व्यायामशाला के वातावरण के माध्यम से आने वाले समय में अनेक प्रकार के स्पर्धा में वो भाग ले सके, अपना जो शरीर है वो स्वस्थ रख सके, उसके लिए जितनी भी एक्टिविटी करना है ये एक्टिविटी निश्चित तौर पर यहाँ पर सब शुरू होगी। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हमने इनको कहा है कि ये सभी प्रकार की एक्टिविटी जो कम से कम बच्चों में हम निर्माण कर सकते हैं वो करेंगे और बाकी जितनी भी यहाँ पर जो दुरुस्तियाँ करना है, बाकी सुविधाएँ निर्माण करना है, जितने भी खेल के जो सामान थे वो उनकी जो दुरुस्ती करना है, ये सभी दुरुस्त करके सभी शुरू करने का निर्णय आज हमने लिया है। सर, ये फंड की कमी के कारण जूझ रहा था या फिर इसकी हालत, इसका क्या कारण है जो इतना बुरा हालत में है? नहीं, फंड की कमी के बारे में अपन नहीं बात कर सकते। इच्छा शक्ति की जब कमतरता रहती तब कोई भी काम नहीं हो सकता, लेकिन इच्छा शक्ति जब प्रबल होती है तो कोई भी काम शक्य होता है। और आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हमने जो यहाँ के जो लोकल लोगों को जो जवाबदारी दी है, इस जवाबदारी के माध्यम से प्रबल इच्छा शक्ति से आने वाले समय में निश्चित तौर पर यह जो क्रीड़ा संकुल एक्टिव होगा।